जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक वैश्या का एक साधु पर दिलाना। आइए कथा श्रवण करें भक्तों। कभी कभी हमें कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो अद्वितीय होती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, एक साधु अपने कुटिया में सो रहे थे। अकस्मात उन्हें घुंघरू के बजने का आभास हुआ। गौर करने पर पता चला कि नूपुर की छनछनाती ध्वनि उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में नगर की अत्यंत सुंदर नगर वधु यानी वैश्या उनके समक्ष उपस्थित थी। वैश्या के सौंदर्य से संपूर्ण नगर प्रभावित, किंतु वह स्वयं उस साधु के यौवन और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन पर आसक्त थी। वैश्या को इस तरह अकस्मात अपने सामने देखकर साधु को थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछते हुए कहा, नगर सुंदरी का आज इस भिक्षुक की कुटिया में कैसे आना हुआ? वैश्या ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे भवन पधारकर मुझे कृतार्थ करें। मैं चाहती हूँ कि आप इन गुफाओं में कुंठित ना हों, बल्कि मेरे साथ दुर्लभ भवनों का आनंद लें। हे नाथ, ना जाने मैं आपके सौंदर्य पर पतंगे की तरह मुग्ध क्यों हूँ। प्रेमाश्रु पहुँचते हुए मेरे प्रेम का सम्मान कर मुझे पवित्र करें। साधु ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे देवी, जिस ज्योति पर आप मुग्ध हो रही हैं वह ज्योति आप में भी विद्यमान है। रही बात मेरे आने की, तो जब मेरे आने का समय आएगा तब मैं अवश्य आ जाऊंगा, यह मेरा वचन है तुमसे। साधु के उत्तर पर वैश्या ने दोबारा प्रश्न करना उचित ना समझा और जैसे आई थी वैसे ही चली गई। दिन पर दिन बीतते गए। जब भी मौका मिलता वैश्या साधु से वही बात दोहराती और साधु भी वही पंक्ति दोहरा कर चल देते। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन वही साधु एक नगरी से दूसरी नगर जा रहे थे। रास्ते के किनारे उन्हें एक बुढ़िया बेसुध दिखाई दी। उसका पूरा शरीर छूत की बीमारी से पीड़ित था। साधु ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और बुढ़िया के मुख पर छिड़का। शीतल जल के छींटे पड़ने से बुढ़िया को होश आया और बोली, हे करुणानिधि, आप कौन हैं जो मुझे अछूत की सेवा कर रहे हैं? नगरवासियों ने तो मुझे छूत के भय से नगर की सीमा से बाहर फेंक दिया, लेकिन आप अब भी मेरी सेवा में लगे हैं, कौन हैं आप? साधु ने उसे सहारा देते हुए एक पेड़ की छांव में बिठाया। वैश्या की यह दशा देख साधु की आंखें करुणा से छलक उठी। हे सुंदरी, मैं वही साधु हूँ जिसके प्रेम में तुम आकंठ डूबी हुई थी। मैं अपने वचन के अनुसार लो तुमसे मिलने आ गया। वैश्या, हे नाथ, अब क्या प्रयोजन मिलने का? ना मैं आपके काम आ सकती हूँ, ना मेरा शरीर ही सुंदर है। इतना कहकर वह रोने लगी। आत्मभाव से युक्त साधु का मुख तेज से दीप्तिमान हो उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, हे सुंदरी, यही मेरे आने का सही समय है। ना तो मुझे तुम्हारे शरीर से कोई प्रयोजन है, ना ही तुम्हारी सुंदरता से प्रेम है, लेकिन हे सुंदरी, मुझे तुमसे उतना ही प्रेम है जितना कि मुझे स्वयं से है। शरीर के बंधनों को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। साधु के ज्ञान ज्योति में वैश्या का सांसारिक मोह क्षण भर में समाप्त हो गया। वह आत्मज्ञान से जगमगा उठी। उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें शरीर के सौंदर्य से अधिक आत्मा के सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। भक्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। भक्तों, इस कथा से हमें पता चलेगा धर्म और ढोंग क्या है। एक समय की बात है, एक दिन संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से होकर जा रहे थे। वह नगर आसपास के सभी नगरों का व्यापारिक केंद्र होने के कारण धन संपत्ति से परिपूर्ण था। उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जिसे देखने की इच्छा से संत और उनके शिष्य मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर मंदिर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यह देख संत को हंसी आ गई। जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा द्वार पर एक ब्राह्मण दान पात्र लगाकर
शिवजी का पाठ कर रहा है, साथ ही दान पात्र पर भी बराबर नजर बनाए है। यह देखकर फिर संत को हंसी आ गई। जब संत अपने शिष्यों के साथ गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि शिवजी की मूर्ति की बगल में एक पुजारी बैठा है, जो वहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को एकत्रित कर रहा था। जब संत मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि उस पुजारी ने वह सारा चढ़ावा एक दुकान पर बेच दिया और पैसे अपने जेब में रखकर चल दिया। यह देख संत को फिर हंसी आ गई। संत के सारे शिष्य उनके मुख की तरफ देखते रहे। अब संत नगर के बाजार की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने देखा कि कोई बहुत ऊंची आवाज में भाषण दे रहा है। जब और नजदीक गए तो पता चला कि कोई श्री श्री 1008 संत श्रीमद् भागवत का कथा वाचन कर रहे हैं। जब उनके कुछ अनुयायियों से पूछा गया तो पता चला कि महाराज एक दिन कथा वाचन का 5 लाख रुपए लेते हैं। यह सुनकर संत को फिर हंसी आ गई। संत के बार बार हंसने से शिष्य उनके मुख की तरफ देखते रहते थे और मन ही मन सोचते थे, क्या हुआ, क्या रहस्य है। फिर संत वहां से आगे बढ़कर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वैद्य जी एक कुत्ते की चिकित्सा कर रहे थे। संत उन वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। संत ने पूछा, वैद्य जी क्या यह आपका पालतू कुत्ता है? वैद्य जी बोले, नहीं महात्मन, कल रात को इसे किसी ने पत्थर मार दिया, इसलिए बहुत चिल्ला रहा था। मुझे घाव भरने की औषधि का ज्ञान है, अतः मैं इसे अपने घर ले आया। संत बोले, किंतु यह तो आपको कोई धन नहीं देगा, फिर आप इसकी चिकित्सा क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी बोले, महात्मन मैं एक वैद्य हूँ और अपनी विद्या से मैं किसी का दुख दूर कर सकूं, यही मेरा धर्म है। मुझे अपने धर्म के पालन के लिए धन की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। अब संत अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम पहुंचे तो एक शिष्य अपने आचार्य के लिए जल लाया और उत्सुकता की दृष्टि से संत की ओर देखने लगा। संत अपने शिष्य की मनोदशा को समझ गए। उन्होंने कहा, बोलो कुमार, किस बारे में जानना चाहते हो? शिष्य बोला, आचार्य मुझे आपके 4 बार हंसने और 1 बार रोने का रहस्य समझ नहीं आया, मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ बताइए। संत बोले, कुमार पहले 4 स्थानों पर मैं यह सोचकर हंसा कि लोग धर्म से कितने अनजान हैं। जिन लोगों को मंदिर में बैठकर ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए, वह उसे और भव्य बनाने के लिए, धन जुटाने के लिए लगे हैं। जिस ब्राह्मण का धर्म ब्रह्मा की उपासना है, वह धन के लोभ में शिवजी के पाठ करने का ढोंग कर रहा है। जिस पुजारी का धर्म पूजा के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह शिवजी के चढ़ावे को बेचकर अपनी जेब भर रहा है। जिन श्री श्री 1008 महाराज को ज्ञान दान मुफ्त में करना चाहिए, वह उस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को लाखों रुपए में बेच रहे हैं। कुमार यह सब लोग धन के नाम पर अधर्म द्वारा ठगे जा रहे हैं, किंतु मुझे उस वैद्य की निस्वार्थ सेवा ने रुला दिया, जिसने अपने वैद्य के धर्म के पालन के लिए धन के भी परवाह नहीं की। असल में वही सच्चा धर्मात्मा है। कुमार को अब धर्म का रहस्य समझ में आ चुका था। अब वह समझ चुका था कि असली धर्म क्रियाओं में नहीं संवेदनाओं में निवास करता है। भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। भक्तों हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा कहानियां मंत्र आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा उसमें क्या क्या नई नई चीजें हैं, और अपने विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। जय श्री राम। भक्तों देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।